आम तौर पर एक क्लास में करीब 50 बच्चे होते हैं, पर ये कोई आम क्लास नहीं है। यहाँ पर एक साथ 75,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मिलाकर 746 केजीबीवी स्कूल्स हैं और हर स्कूल में 100 बच्चियाँ, तो यानी 74,600 बच्चियाँ हमारी इस अनोखी क्लास में हफ्ते में दो बार जुड़ती हैं। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर और सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश मिलकर क्यूरियोसिटी प्रोग्राम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के दूर दूर से 746 केजीबीवी स्कूलों में विज्ञान पढ़ाया जाएगा और इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि पाठ्यक्रम रुचिकर हो, कक्षाएं जीवंत हो जाएं और आंखों की चमक वापस लौट आए। प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही इन बच्चियों ने ये साबित कर दिया कि तकनीकी समस्याएं उनके दृढ़ संकल्प और सीखने की चाहत को टस से मस नहीं कर सकती। जिस जोश के साथ उन्होंने सभी सेशंस में भाग लिया, वो एक बहुत ही सुखद आश्चर्य था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाकर देखती हुई कक्षा 6, 7, 8 की ये बच्चियां इतने ध्यान से हमारी बातें सुनेंगी और सारे खिलौने साथ साथ बना लेंगी, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सेशन खत्म होने के 10 मिनट बाद ही इनके बनाए हुए खिलौनों के फोटोज और वीडियोस की टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर बाढ़ सी आ जाती है। ये बच्चियां आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों से आती हैं, ऐसे इलाके जहां महिला साक्षरता नेशनल एवरेज से कम है, पर इन सब परिस्थितियों के बावजूद ये बच्चियां मौका मिलने पर पूरे उत्साह के साथ विज्ञान सीख रही हैं। केजीबीवी के शिक्षकों ने भी उतना ही प्रभावित किया। विज्ञान पढ़ाने के साथ साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना भी है, ताकि अपने आसपास जो वो चीजें देख रही हैं उनको खुद परख पाएं और जरूरत पड़ने पर उनको चुनौती भी दे पाएं। जैसे जैसे 746 स्कूलों में हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है, वैसे वैसे पूरे देश के बच्चों को IIT गांधीनगर के इस छोटे से कमरे से विज्ञान पढ़ाने का सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। और जब हमारे बच्चे विज्ञान को जीवन से जोड़कर अपने हाथों से प्रयोग करेंगे, तो मेक इन इंडिया का सपना जरूर साकार होगा। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आपके सहयोग से हम भारत के सभी शिक्षकों और बच्चों तक पहुंचेंगे और भारत का भविष्य स्वर्णिम अक्षरों में रचेंगे। थैंक यू।